नमस्कार दोस्तों, ड्रुपल 7 हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है ड्रुपल कॉमर्स ट्यूटोरियल की सीरीज़, जिसमें हम अपने कॉमर्स वेबसाइट के लिए काम कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने इम्पोर्टर बना लिया था, कॉमर्स प्रोसेसर के थ्रू एक इम्पोर्टर बना लिया था, ठीक है। तो अभी क्या करना है, जो कि हमने इम्पोर्टर बनाया था फीड इम्पोर्टर के अंदर, आप जब देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों ने इम्पोर्टर बनाया था, ठीक है। तो इम्पोर्टर, तो इसकी मैपिंग भी हम लोगों ने कर ली थी, ठीक है। तो ये सब मैपिंग हमारी हो गई थी। तो दोस्तों हम लोगों ने एक CSV फाइल बनाई है, ठीक है। तो उस CSV फाइल को देख लेते हैं, जिसके थ्रू हम लोग बल्क में मतलब इम्पोर्ट करेंगे। तो वो CSV फाइल ये है, ठीक है। प्रोडक्ट एंटिटी डॉट CSV से मैंने एक फ़ाइल बनाई है, जिसमें मैंने ये एक लिस्ट, एक प्रोडक्ट का एग्ज़ाम्पल एक लिया है, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट में मैंने टाइटल दिया है, प्राइस दिया है, क्योंकि प्राइस हमारा USD में है, तो हमें 21, अगर 21 डॉलर है तो हमको 2100 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसी इसमें जाता है, जब आप 2100 इंपोर्ट करोगे तो 21 डॉलर आपको दिखाएगा, ठीक है। SQ हम दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर ऑटोमेटिक कर देंगे तो हमें SQ इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फ़िलहाल हमने ऑटोमेटिक नहीं कर रखा है, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद स्टेटस, उसके बाद साइज, उसके बाद हमने ब्रांड लिया, उसके बाद कलर लिया, उसके बाद इमेजेस लिए। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देनी है कि जब भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आपने जो मैपिंग कर रखी है और मैपिंग के थ्रू जो आपने सोर्स का जो भी नाम जो आपने यहाँ दे रखा है, वो सेम नेम वो आपको यहाँ भी देना पड़ेगा। इमेजेस, कलर, ब्रांड, साइज, स्टेटस, SQ, प्राइस, टाइटल, सेम इसी में ही, ये मिसमैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सेम होना चाहिए, अगर मिसमैच हो जाएगा तो इम्पोर्टर में आपके एरर आएगी, ठीक है। तो ये हो गया इम्पोर्टर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एंटिटी प्रोडक्ट CSV, ठीक है। और दोस्तों एक और चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा मैं, कि यहाँ पर हम लोगों ने जो इमेजेस का यूज़ किया है, वो हम लोगों ने URI यूज़ किया था, जो कि हम यहाँ आपको दिखाए हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर URI यूज़ किया था, यानी कि इसको हम लोगों को यहाँ पर पाथ देना है, तो ऑटोमेटिक वो पाथ उठकर आपका चला जाएगा अपने अपने फोल्डर में, ठीक है। तो अब होगा क्या कि हम लोग लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, तो हम लोग को जो इमेज है वो लोकल में ही रखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन लाते हैं कहीं रिसोर्स से, तो आपको परमिशन चेक करना पड़ेगा कि वो हमें एक्सेस है कि नहीं, बाकी वो इम्पोर्टेड चलेगा, ठीक है। तो हम लोग एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, जो हम लोग ने जो लोकल होस्ट के अंदर इमेजेस के फोल्डर के अंदर, लोकल होस्ट स्लैश इमेजेस के फोल्डर के अंदर हम लोगों ने ये इमेज रखी हुई है, ठीक है, 17/21/4 करके, ठीक है। तो हम लोग जब जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, ये 17/21/4 करके जो रखी हुई है, ये देखिए लोकल होस्ट के अंदर इमेजेस के अंदर ये फोल्डर रखा हुआ है, इमेज रखी हुई है। अब दोस्तों हमें करना क्या है कि हमको इम्पोर्टर पर जाना है। तो इम्पोर्टर पर जाने के लिए सबसे अच्छा है कि आप अपने प्रोजेक्ट के बाद इम्पोर्ट लिख दें, ठीक है। इम्पोर्ट जब आप लिखेंगे, ये आप इम्पोर्ट लिखेंगे तो यहाँ पर आप आ जाएंगे, जो भी आपने इम्पोर्टर बनाया होगा, और यहाँ से आप इम्पोर्ट करेंगे, ठीक है। ये आपने जो नोट प्रोसेसर के थ्रू, प्रोडक्ट प्रोसेसर के थ्रू जो आपने इम्पोर्टर बनाया हुआ है वो है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये ले रखा है डेलीमीटर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, और इसमें हम लोग क्या करना है, वो फाइल सेलेक्ट करनी है जिसमें हम लोगों ने प्रोडक्ट एंटिटी में, जो कि हम लोगों ने ये बनाया हुआ है, ये वाला प्रोडक्ट एंटिटी, ये वाला जो हम लोगों ने CSV बनाया हुआ है, इसको हम लोग इंपोर्ट करेंगे। तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और इसको इंपोर्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ लिख के आ गया ई क्रिएटेड 1 कॉमर्स प्रोडक्ट। अब जब आप जाएंगे स्टोर के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, तो आपके पास 2 ऑलरेडी अपने ऐड कर रखे थे जो पिछली वीडियो हम लोगों ने ऐड किए, और यहाँ पर एक नया इंपोर्ट आ गया ये, ठीक है। इसको एडिट करेंगे, ठीक है। इमेजेस नहीं आई हैं, कुछ इशू था, तो इसको हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो एक बार URL चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, इमेज क्यों नहीं है। और उसके बाद जो हमारा, तो जो हमारा सब आ गया है, साइज और पूमा और ब्रांड जो हमारा था, और जो कलर जो हम लोगों ने CSV में दे रखा था, वो हमारा सब आ चुका है यहाँ पर, ये देखिए। और जो हमारा एक चीज़ है,
चलते हैं अपने प्रोडक्ट इंपोर्टर, फीड इंपोर्टर में, एडिट में, मैपिंग में। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों एक मिस्टेक है, यहाँ पर इमेज है यहाँ पर, और यहाँ पर है हमारा क्या है, इमेजेस है। ठीक है, तो ये एक मिस्टेक है, इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको सेव कर लिया हमने इमेज करके। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अपना जो प्रोडक्ट था उसको हम लोग डिलीट करते हैं एक बार, और फिर से एक बार इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। इंपोर्टर के लिए आप इंपोर्ट यूआरएल में टाइप करके यहाँ आप जाएंगे, और उसके बाद आप ब्राउज़ करेंगे वही वाली फाइल, और उसके बाद इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, अभी इंपोर्टर देख लेते हैं। इंपोर्टर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बाद एडिट, ये देखिए हमारा इमेज आ गया। तो देखा आपने कि अगर हमने सोर्स नेम अगर गलत दिया हुआ है तो वो इसने इमेज को इंपोर्ट नहीं, इमेज को इसने इंसर्ट नहीं किया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, अब हमारा इमेज भी आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये हम लोग ने क्या किया, CSV के थ्रू हम लोग ने प्रोडक्ट नोट प्रोसेसर, प्रोडक्ट प्रोसेसर, अब क्या करेंगे हम लोग, प्रोडक्ट प्रोसेसर को हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हम लोग एक नया बनाएंगे, एक नया प्रोडक्ट प्रोसेसर बनाएंगे जो कि हमारा वो डिस्प्ले पर्पज़ के हिसाब से रहे, क्योंकि अभी हम लोगों ने डिस्प्ले तो किया नहीं प्रोडक्ट अपना। ठीक है, तो एक हम लोग नया प्रोडक्ट इंपोर्टर बनाते, उसके लिए हम लोग यहाँ जाना पड़ेगा, फील्ड इंपोर्टर में जाना पड़ेगा, ऐड इंपोर्टर करना पड़ेगा, और एक नेम देना पड़ेगा, और इसको सेव सेव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम लोग डिस्प्ले पर्पज़ के हिसाब से हो गया। इसकी मैपिंग हम लोग कर लेते हैं, हमें हर एवरी 30 मिनट में नहीं चाहिए, एक ही बार चाहिए, तो हम लोग सेव कर लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद फेच कर लेते हैं, हम लोग फाइल अपलोड करेंगे, तो हम लोग फाइल अपलोड सेव, और इसके बाद ये हम लोग यही रखेंगे सिंपल। और इसके बाद हम लोग यहाँ कॉमा सेपरेटर वैल्यू लेंगे। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। इसके बाद इसमें हमने कोई नहीं चेंज नहीं, कॉमा सेपरेटर वैल्यू है। इसके बाद हम लोग प्रोसेसर में जो हम लोग यहाँ सेलेक्ट करेंगे वो नोड प्रोसेसर रहेगा, ये अब नोड रहेगा क्योंकि अब हमें डिस्प्ले कराना है प्रोडक्ट। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने जो इंपोर्टर बनाया था उसमें क्या किया था, उसमें हम लोगों ने कॉमर्स प्रोडक्ट प्रोसेसर सेलेक्ट किया था। ठीक है, तो इसमें हम लोग को नोड प्रोसेसर लेना है। इसके बाद सेव कर देंगे, और इसके बाद जो हमें करना है वो हमें नोड सेलेक्ट करना है, और नोड हमारा रहेगा, देखिए यहाँ पर कंटेंट टाइप आ गया, ये हम लोगों ने सेलेक्ट किया ये, और यहाँ पर हमारा सेम सेटिंग रहेगा सब कुछ। यहाँ हम लोग एडमिन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट टाइप नहीं आया दोस्तों, पिछले वीडियो में यहाँ प्रोडक्ट टाइप में उन्होंने एक मिस हो गया था हमसे, तो हम लोगों ने बाद में रिकवर किया था। और इसमें देखिए कोई प्रोडक्ट टाइप नहीं, क्योंकि ये प्रोडक्ट टाइप नहीं, ये नोट टाइप है, कंटेंट टाइप है। ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ पर सेव कर देंगे। अब हमारा मैपिंग का काम है, तो मैपिंग के लिए हमें कुछ नहीं करना है, मैपिंग के लिए हमें जाना है कहाँ, कंटेंट टाइप में, और ये हमने बनाया मैपिंग, ये हमारी फील्ड्स हैं। ठीक है, हमारी फील्ड्स टाइटल है, बॉडी है, शूज़ रेफरेंस, कैटेगरी, कलेक्शन। तो सबसे अच्छा एग्जांपल दोस्तों ये है कि अगर आपने CSV पहले बना ली, जैसे कि मैंने बना ली है, तो आपको कुछ नहीं, खेल आपने जो CSV आपने पहले बना ली है उसी का ही नाम यूज़ करें यहाँ पर। ठीक है, तो वैसे चीज़ें यहीं रहेंगी, क्योंकि मशीन ने हमें जो लास्ट वाला जो हमें सेलेक्ट करना है वो हमारा कंटेंट टाइप से ही आता है। ठीक है, तो नोट प्रोसेसर हो गया हमारा, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टाइटल डालेंगे, और यहाँ पर हम लोग टाइटल हम लोग सेलेक्ट करेंगे ये रहा टाइटल। ठीक है, उसके बाद सेव कर देंगे। जो नेक्स्ट हमारा रहेगा वो रहेगा बॉडी, अगर आप बॉडी डाल रहे हैं तो। ठीक है, हम लोग बॉडी, ये हमने बॉडी ले ली। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, शूज़ वेरिएशन। ठीक है, शूज़ वेरिएशन में क्लिक करेंगे, और इसमें हम लोग क्या डालेंगे, SKU। ठीक है, और इसमें हमारा रहेगा प्रोडक्ट शूज़ SKU। ठीक है, ये हमारा हो गया कलेक्शन। ठीक है दोस्तों, कलेक्शन ले लेंगे हम लोग, कलेक्शन भी हम लोग यहीं दिखा देंगे कलेक्शन में, और हमारा जो कलेक्शन रहेगा वो ये रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे कैटेगरी। ठीक है, इसके बाद कैटेगरी रहेगा हमारा। ठीक है, कैटेगरी फील्ड सेलेक्ट कर दी। ठीक है, उसके बाद हमारा रहेगा जेंडर, लास्ट फील्ड। इस दोस्तों ये सारी फील्ड वही है जो हमारी कंटेंट टाइप में, आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, जो आपने अपने कंटेंट टाइप में बनाई होगी वही फील्ड सारी यहाँ पर भी आएंगी। ठीक है, देखिए ये हमारी फील्ड्स हो गई, टाइटल, बॉडी, शूज़, और ये कैटेगरी और कलेक्शन, जेंडर, जी हमने सारी फील्ड यहाँ हमने मैप कर लिया। ठीक है, मैपिंग हमारी हो गई। ठीक है, और यहाँ पर कुछ नहीं करना हमें,
यहाँ पर जो हमने ले, अगर बस एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, अगर आप आईडी इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ नेम ना लेके आईडी लेंगे। मैं अभी नेम ही इंपोर्ट कर रहा हूँ तो नेम ही लूँगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमको, अपने कंटेंट में जाके देखना है तो हमारे दो ही हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपनी CSV एक बार चेक करेंगे, ठीक है, और इसको सेव करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये थी हमारी प्रोडक्ट डिस्प्ले डॉट CSV वाली फाइल। अब हम लोग चलते हैं अपने इंपोर्ट में चलते हैं, और यहाँ पर देखिए दो इंपोर्ट आ गए, एक हमारा कॉमर्स प्रोसेसर का था, प्रोडक्ट प्रोसेसर का था, और एक हमारा नोट प्रोसेसर का आ गया है। तो ये हम लोगों ने डिस्प्ले पर्पज़ से यूज़ किया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेम सेटिंग रहेगी, कॉमा डेलीमीटर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू हमारी है, ठीक है। हेडर हमने कोई लिया नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ब्राउज़ करेंगे और डिस्प्ले वाली अपनी फाइल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सूट किया डिस्प्ले, ठीक है, और इंपोर्ट किया, क्रिएटेड वन नोट। दोस्तों एक नोट क्रिएटेड हो गया है, जो कि हमारा जाके देखेंगे हम लोग, तो ये देखिए नया जो नोट आया है हमारा, ये आ गया। और जब हम लोग ओपन करेंगे तो वही प्रोडक्ट हमारा आया है जो कि हम लोगों ने इस वाली CSV फाइल से, ये देखिए इस वाली CSV फाइल से हम लोग इम्पोर्ट किया था इसका, जिसका प्राइस $21 था और इसका प्राइस $21 आ गया है, ठीक है। बॉडी हम लोगों ने बॉडी डाली थी तो ये आ गया, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा हो गया कि हम लोग कैसे फीड इम्पोर्टर के बल्क प्रोडक्ट कैसे इम्पोर्ट करें अपने कॉमर्स की साइट पे, ठीक है। तो केवल दो चीज़ें ध्यान देनी है कि आपकी जो CSV नेम है वो जो वही सेम रहना चाहिए, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा, तो एरर भी आ सकती है और इम्पोर्ट भी नहीं होगा, ठीक है, जो आप इम्पोर्ट करना चाहते हैं। और इसी तरीके से आप पूरी लिस्ट अपनी बना देंगे, ढेर पूछ जितनी आपके प्रोडक्ट हैं इसी पैटर्न में, और आपको उस डायरेक्टरी में और जिसमें आप इमेज रखेंगे उसमें चला जाएगा वो, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा अपना इम्पोर्ट कर सकते हैं। और एक बात ध्यान देंगे कि आपको कॉमर्स प्रोसेसर और नोट प्रोसेसर दोनों में ध्यान रखना है, ठीक है। फीड इम्पोर्ट करते समय जो हमने बनाया था, ये जो ये वाला हम लोगों ने बनाया था वो हो गया हमारा कॉमर्स नोट कॉमर्स प्रोसेसर। जब आप चेक करेंगे यहाँ पर तो आपको भी पता चलेगा, जब प्रोसेसर में आप जाएंगे तो देखिए ये हमारा कॉमर्स प्रोडक्ट प्रोसेसर हो गया, और जो दूसरा हमारा जो बना था वो नोट प्रोसेसर हो गया। बस दो ही चीज़ ध्यान देनी है, और सबसे पहले हमें प्रोडक्ट का इम्पोर्टर बना के इम्पोर्ट करना है, उसके बाद हमें डिस्प्ले के लिए नोट प्रोसेसर को इम्पोर्ट करना है। तो ये दोस्तों हमने अपनी वेबसाइट पे इम्पोर्ट कर लिया प्रोडक्ट। अब मैं क्या करूँगा कि कुछ एग्जांपल के लिए 10-12 प्रोडक्ट यहाँ लिस्ट बनाऊँगा और अपनी वेबसाइट में इम्पोर्ट कर दूँगा। आप भी इसी तरीके से अपनी वेबसाइट में जो आप जो एग्जांपल क्रिएट कर रहे हैं उसमें भी आप इम्पोर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा ट्यूटोरियल हो गया कि हम कैसे अपनी वेबसाइट में बल्क में प्रोडक्ट कैसे इम्पोर्ट करें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग सीख पाएँ, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेरी होती है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट छोड़ सकते हैं, अगर मदद कर पाऊँगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।